इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। आतंकी हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की, जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, उसे यूएनएससी ने अब वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। ये वही मक्की है जिसे पिछले साल चीन ने वीटो लगाकर बचाया था। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आतंकी हाफिज सईद का बहनोई और आतंकवाद को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाला अब्दुल रहमान मक्की अब वैश्विक आतंकी है। उसे यूएनएससी ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। तो भारत की यूएनएससी में ये बड़ी कूटनीतिक जीत। चीन ने जिस तरीके से वीटो लगाकर पिछले साल अब्दुल रहमान मक्की को बचाया था, आज चीन को इस पूरे मामले में अपनी मुंह की खानी पड़ी है। अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आतंकी घोषित हो चुका है, एक बड़ा डिप्लोमेटिक विन ये भारत के लिए। आतंकी हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की, जो लगातार पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहा था, आतंकवाद की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करता पाया गया, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, अब वो एक वैश्विक आतंकी घोषित किया जा चुका है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनीष, ये भारत की एक और डिप्लोमेटिक विन, अब्दुल रहमान मक्की को अब वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत है और इस लिहाज से जीत है कि देश में कई आतंकी हमले, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या फिर कुछ दिनों पहले जो पठानकोट में अटैक हुआ था, ऐसे इनपुट मिले थे कि मक्की इस पूरे साजिश में शामिल था। लेकिन भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी यूएन में कि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन चाइना ने टेक्निकल होल्ड किया हुआ था। लेकिन भारत ने ऐसे सबूत दिए कि चाइना के लिए इस बार ये मुश्किल हो गया कि वो मक्की को बचाए, और इस वजह से चाइना ने एक तरीके से जो टेक्निकल होल्ड लगाया था उसे वापस ले लिया। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मक्की, जो कि हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज है और ये कहा जाता है कि पूरा ऑपरेशनली हेड है, जो भी टेररिस्ट अटैक भारत के अंदर होते हैं मक्की का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में अब दुनिया भर में जो इसके मूवमेंट हैं या इसके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, जो एनजीओ हैं, उन सब पे कार्रवाई की जा सकेगी। और आतंक को लेकर के एक बड़ी भारत के लिए एक जीत भी है और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी चाइना ने ये बड़ी जीत। मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दे दे। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नीलम वैली में आटे की किल्लत के बाद लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आटे की किल्लत को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं लोग। बर्फबारी में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लोग मजबूर है। तस्वीरें देखिए, मांगे पूरी ना होने पर हिंसा की यहां पर लोग चेतावनी दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीओके की नीलम वैली में आटे की किल्लत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भयंकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर आए हैं क्योंकि खाने के लिए आटा नहीं है। और सरकार के खिलाफ लोगों का जो ये विद्रोह है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों ने कहा है कि अगर उन्हें खाने के लिए आटा नहीं मिलेगा तो वो अपनी मांगों को लेकर अब हिंसक हो जाएंगे। लोगों ने यहां पर सरकार के खिलाफ हिंसक होने की चेतावनी भी दे दी है। त्राही त्राही इस वक्त मची हुई है पाकिस्तान में। और आज ही कल ही हमने एक खबर सुनी कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने एक उम्मीद है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर बिलखसूस और हमारे दूसरे नुमाइंदे जिनको हमने वोट दिए हैं, वो हमारे एमएलएज हैं, हमारी वादी नीलम के अंदर वो रह रहे हैं, वो इस आवाज को और इस नोटिफिकेशन के तहत आज ही से वादी नीलम के आवाम को वो सबका रेट से भी कम रेट पर आटा देने की अहकाम जारी करेंगे।
तो पीओके में बगावत के सुर किस तरीके से तेज हो रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। और ये चार तस्वीरें देखिए, आटे को जिस तरीके से जनता तरस रही है, खाने के लिए दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, अपने नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर उनके चूल्हे नहीं जल पाए तो ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक रूप ले सकता है। और पीओके के बाल्टिस्तान में भी लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महंगाई को लेकर लोगों ने यहां पर मार्च निकाला, पाक सरकार का यहां पर पुतला फूंका गया, शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें और अलग अलग जगहों की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पीओके के बाल्टिस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंगाई को लेकर लोगों ने यहां पर मार्च निकाला, पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की, यहां पर सरकार का पुतला भी फूका। लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से अपने लोगों को खाना मुहैया कराने में विफल रही है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।